मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश का एक और स्पेल एंटर हो गया। कराची में बादल खूब जमकर बरसे, कई इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज से 29 अगस्त तक कराची में बारिशों की पेश गोई। अटक, नौशहरा, जेलम में गरज चमक के साथ मूसाधार बारिश, जलसा लेक हो गया। कामों की और ओस्ता मोहम्मद के गिरदोनवा में बारिश। हैदराबाद, ठट्ठा, मुटियारी, बदी, थरपारकर में बादल जमकर बरसे। शकरगढ़, मुजफ्फराबाद, खानेवाल में बारिश हुई। फरीदाबाद, मीरपुर खास में बादलों की शानदार इनिंग, मौसम खुशगवार। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में खिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अराकीनी असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान पीटीआई पिशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिला पिशावर के सदर थे। आसिम खान पीटीआई पिशावर रीजन के नए सदर मुकर्रर। इरफान सलीम को पीटीआई जिला पिशावर का नया सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। केपी काबीना में रद्दबदल मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एहतिशाम अली को मशीर सेहत नामजद किया गया। कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफ्तीश। पीर मुसव्वर गाजी मुआवन खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। सुहेल आफरीदी को मुआवन खसूसी CNW मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नेक मोहम्मद मुआवन खसूसी बराए रिलीफ नामजद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना में मजीद अहम तब्दीलियों का इम्कान। महकमों की तब्दीली और नए नामों के लिए बानी पीटीआई से मंजूरी ली गई है। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी, ये नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। अब कोई सूरत नहीं कि दहशतगर्दों को नाराज बलोच कहा जाए। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में बहुत से अनासर का हाथ है। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले दहशतगर्दों के अजायम कुछ और थे, इस सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाए। दहशतगर्दों को उनकी जुबान में जवाब देंगे, जो मास्टर माइंड थे उनका अंदाजा है। बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ते में है, सूबाई हुकूमत की कोई जरूरियात को पूरा किया जाए। मैं बताता चलूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद। ये बंदूक के जरिए आप बलोचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है। ये अगले हजार साल तक नहीं होने वाला और इस तरह के हमले हमारे रिजॉल्व को कम नहीं कर सकते। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं पाकिस्तानियों को मारा, किसी बलोच ने नहीं दहशतगर्दों ने शहरियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को बसों से उतार कर शनाख्त करके शहीद किया गया। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। बलोच रवायात में ऐसे किसी को नहीं मारा जाता, ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज रूफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों से बदला लिया जाएगा, करार वाकई सजा देंगे। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, नहत्ते ड्राइवर्स को मारकर हीरो बनते हैं। बंदूक के जोर पर बलोचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। जबरी गुमशुदगी के हक में नहीं तस्लीम करता हूँ, मिसिंग पर्सन के कुछ हकीकी केस होंगे। लापता अफराद के मामले को इन लोगों ने जरिया मुआश बनाया हुआ है। इनके सारे लीडर भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं। बलोचिस्तान की एपिक्स कमेटी का इजलास आइंदा चंद रोज में होगा। इस्लामाबाद से क्यादत एपिक्स कमेटी के इजलास में जाएगी। अकबर बुगटी की हलाकत के बाद बलोचिस्तान के हालात बिगड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे है। महरंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं, लेकिन जो बलोचिस्तान में मजदूरों के साथ हुआ उस पर खामोश है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये अपने लिए बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम में इजाफा हो रहा है, लोग लुट रहे हैं। कौम 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात न की। बंद पीटीआई की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मुझे इंतहाई गर्म कमरे में रखा हुआ है, जेल में कुछ ज्यादा सख्तियाँ होने लगी हैं, इसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। महंगाई पर भी तनकीद, कहा ये कर्जों पर कर्जे लेते हैं, बोझ आवाम पर डालते हैं। हम पागल नहीं के सियासत में आए, यहाँ सियासत तो हो ही नहीं रही। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबको एक फिक्र है कि हम सियासत में ना आ जाएं।
कोई हमसे पूछ क्यों नहीं लेता कि हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं? हम बता बता कर थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। मजीद बोली, आप स्क्रिप्ट तो तब्दील कर लें। आप कहते हैं कि बुशरा या लीमा पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं। आप 3-4 खवातीन से डर रहे हैं। हमें मीडिया सेल भी देखना है, केसेस भी देखते हैं और बानी पीटीआई की हिफाजत भी करनी है। हमारे पास करने को बहुत कुछ है, नून लीग के पास करने को कुछ नहीं है। 8 सितंबर के जलसे में हम सब शामिल होंगे। तहरीके इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी क्यों ना हो। पूरी दुनिया में कहीं भी कानून साजी छुपा कर नहीं की जाती। पीटीआई किसी को भी एक्सटेंशन देने की मुखालफत करेगी। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, शहदा के लिए दुआएं मकफरत। रहीम यार खान में पुलिस पर हमले की मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू, मुतफिक दरख्वास्त दायर। इस अदा की कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी के सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का अपोजिशन लीडर के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई पर गौर। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है, उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन का जल्द तौहीनी अदालत की कार्रवाई करने का हतमी फैसला करने का इम्कान। उधर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आ चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पाकिस्तान और चीन के दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए नागुजीर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बरी अफवाज कमांडर से गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी आवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है। चीनी कमांडर का दोतरफा दोस्ती को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन आहनी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। मुलाकात में दोतरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। उधर वजीर आजम ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। सियासी अमन अमान और इकतसादी सूरत हाल पर गौर होगा। लोग जब मर्जी चाहे महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सके, किस्तों के अंदर अदा कर सके, एडवांस में अदा कर सके। जब मीटर उतनी बिजली इस्तेमाल कर ले तो बंद हो जाएगा, फिर उनको जिस तरह फोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। जितने का लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। विपक्षी वजीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के प्रीपेड मीटर लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीपीज मसाइल बाहमी ताबुन से हल होंगे। चीनी कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। सहाफी का अवैस लगारी के अपने हल्के में लाइन लॉसेज का सवाल, विपक्षी वजीर ने जवाब दिया, 5 फीडर्स पर 80% से ज्यादा लॉसेज हैं। मेरे कहने पर वहाँ 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। एक सहाफी की स्लेब सिस्टम पर वजीर तवानाई से तकरार। अवैस लगारी बोले, आप डाइस पर आकर तकरीर कर लें, मैं हट जाता हूं, कंपनी से बात करूंगा, आपको बुलाकर स्लैब सिस्टम पर ब्रीफ कर दें। शहदाए करबला के चेहलम पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस निकाले गए। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पसीर। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गांव में शाम में इख्तिताम पसीर। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, जंग, गिलगित समेत मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची समेत अंदरून सिंध में मोबाइल फोन सर्विस जुजवी तौर पर बंद रही। डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस की फजाए निगरानी की गई। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए।
बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पज़ीर। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरगाह अली हजवेरी पहुंची। कई नामवर सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात की दुआ में शिरकत। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। दुरूद व सलाम की सदाएँ गूंजती रहीं। खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने इख्तितामी दुआ करवाई। मुल्क की सलामती खुशहाली और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, मेडिकल कैंप्स लगाए गए। उर्स की इख्तितामी दुआ के बाद मुल्क के तूल अर्ज़ से आए ज़ायरीन के काफिले वापस रवाना।